ये फ्रेंड दिस इज दिवाकर फ्रॉम डीवीडी चिप होटल। योर वेलकम न्यू प्रैक्टिस सेट और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स या एनिमल क्लासिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ी स्पीड से चलेंगे क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन में कवर करने हैं। तो वीडियो पॉज करके देख लें, एक बार में नहीं समझ में आया तो दो बार देखें वीडियो। तो हमारे चैनल पर नए हो, नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो बता रहा है कौन सा सही है। एनिमल रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, आंसर यहाँ पर डी सही होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें ऑक्सीजन की जो ज़रूरत होती है। तो एरियल यहाँ पर एरोबिक, एनारोबिक में हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत रहती है। बेचारा फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स, तो इसमें कौन सा ये बता रहा है गलत है, फॉल्स है। तो दूसरे का डी होगा, म्यूटिक सेल डिवीजन ट्रांसफार्म द एनिमल जाइगोट इनटू द मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो, तो ये गलत है क्योंकि म्यूटिक डिवीजन यहाँ पर जाइगोट में नहीं, वो यहाँ पर जाइगोट में नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन जाइगोट में होता है, म्यूसिस यहाँ पर जर्म सेल में होता है गैमेटोजेनेसिस प्रक्रिया द्वारा। तो असूत्री विभाजन होता है क्योंकि यहाँ पर गैमेटिक बनने के आल जर्म सेल में होता है सभी, जब भी गैमेट बनते हैं तभी। तो यहाँ पर ये गलत है डी वाला। ऑर्गेनाइजेशन इन स्पंज, तो जो स्पंज है उनमें यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का है, तो यहाँ पर टिशू ग्रेड, ऑर्गन ग्रेड या सेलुलर ग्रेड, तो यहाँ पर सेलुलर ग्रेड होगा। टिशू ग्रेड यहाँ पर सिलेंटेट में होता है, ऑर्गन ग्रेड जो है ओवेलिया वो सेलुलर यहाँ पर ग्रेड होगा। तीसरे का एक हो जाएगा, और टिशू ग्रेड हाइड्रा में होता है यानी सिलेंटेड में। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड जो है फैसियोला हिपोटिका में होता है। मेटाजोन्स, मेटाजोन्स विदाउट टिशू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड, तो यहाँ पर कहते हैं यूमेटोजुआ, पैराजुआ। मेटाजोन्स विदाउट टिशू ग्रेड इज कॉल्ड पैराजुआ। सेल टिशू ग्रेड फॉर ऑर्गेनाइजेशन अकरिंग, जो सेल टिशू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है किसमें पाया जाता है, तो अभी मैंने बताया था हाइड्रा में। तो यहाँ पर पांच का आंसर एक हो जाएगा। स्पंज में सेलुलर ग्रेड होता है, लीवर फ्लोक में यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम ग्रेड होता है, स्टारफिश में भी टिशू ग्रेड होता है वो ऑर्गन सिस्टम होता है। विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन द मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स, तो मोस्टली किस तरीके का यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल में पाया जाता है, तो यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम ग्रेड होगा सिक्स का, और डी होगा मोस्टली यही पाया जाता है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, फैसियोला हिपोटिका और यहाँ पर पोरीफेरा और सिलेंटेटा, पोलीफेरा सिलेंटेटा और मोलस्का को छोड़कर, पोरीफेरा सिलेंटेटा को छोड़कर मोस्टली ऑर्गन सिस्टम ही सभी ऑर्गन वो पाया जाता है सभी जंतुओं में। यहाँ पर मैच करना है, तो पोरीफेरा में यहाँ पर कितरिका है ऑर्गेनाइजेशन, पोरीफेरा में सेलुलर लेवर, प्रोटोजोआ में यहाँ पर तो निडेरिया यानी सिलेंटेटा में सेल टिशू, और कार्डेटा में यहाँ प्रोटोप्लास्टिक वो ऑर्गन सिस्टम यहाँ पर इसका कार्डेटा में, और प्रोटोजोआ में प्रोटोप्लाज्मिक। तो वहाँ पर कोड क्या बन रहा है, एक एक का यस होगा यस, बी का क्यू है वो ए का यस है बी का क्यू, हाँ बी का क्यू, और सी का पी है, डी का यहाँ पर आर है, तो एस क्यू यहाँ पर एस शुरू में है लाट में आर है, तो एस शुरू है लाट में आर है, तो यहाँ पर कौन सा उत्तर है इसका, शुरू में ऐसा है और लास्ट में आ रहा है, आंसर यहाँ पर एक सही होगा। और सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान इज एक्सीटेड बाई सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान इज, जो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है किसके द्वारा बनाया जाता है, एक्सीबेटेड बाई
यहाँ पर अटका एक हो जाएगा स्पंज में। सेलुलर ग्रेड बता रहा है, सेलुलर ग्रेड मीन्स होता है सेलुलर ग्रेड। द ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान इज सोन बाई, जिसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है अंधा जो सेक है बॉडी। आंसर भी होगा यहाँ पर निडेरियंस एंड फ्लेटवॉर्म्स। बिच द बॉडी प्लान इज फाउंड इन द नेमेटोड्स, बिच बॉडी प्लान इज फाउंड इन नेमेटोड्स। तो नेमेटोड में यहाँ पर कौन सी तरीके का ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। ब्लाइंड स्नेक यहाँ पर किस में पाया जाता है, ब्लाइंड सेक निडेरिया एंड फ्लेटवॉर्म। और ट्यूब बिटवीन ट्यूब बता रहा है द बॉडी प्लान फाउंड इन नेमेटोड तो ट्यूब बिटवीन ट्यूब आंसर यहाँ पर सी सही था। बिच ऑफ फॉलोइंग रेयर इन एनिमल्स, बिच फॉलोइंग इज रेयर इन एनिमल्स, सबसे कम सिमेट्री किस में पाई जाती है, कौन सी तो यहाँ पर होगा। और रेडियल सिमेट्री सबसे कम पाई जाती है वो स्फेरिकल, 11 का आंसर भी होगा स्फेरिकल सबसे कम पाई जाती है जंतु में। और बायलेटरल और रेडियल ज़्यादातर पाई जाती है। बिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव द रेडियल सिमेट्री, तो इनमें से कौन सा रेडियल सिमेट्री एनिमल है, तो यहाँ पर होगा इकाइनोडर्मेट्स यानी स्टारफिश। और इससे आर्चिन भी होगा, स्टारफिश होगा जेलीफिश यानी ओरेलिया, ओरेलिया को जेलीफिश कहता है। इसमें रेडियल सिमेट्री है स्टारफिश में भी, सी आर्चिन में भी, सी आर्चिन यहाँ पर ये भी मोलस्का का है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज होगा ये सभी। रेडियल सिमेट्री अकरिंग, तो रेडियल सिमेट्री मोस्टली किस में पाई जाती है, तो अभी बताया था पोरीफेरा एंड सिलेंटेटा, आंसर एक सही होगा पोरीफेरा और सिलेंटेटा। 13 का आंसर यहाँ पर मोस्टली सिलेंटेटा इकाइनोडर्मेटा में पाई जाती है, पोरीफेरा में मतलब सभी में नहीं पाई जाती है, कोई कोई है मगर ज़्यादातर सिलेंटेटा और इकाइनोडर्मेट में स्मार्ट रूप से देखने को मिलती है। बीच ऑफ द फॉलोइंग मेटाजोन्स फाइला आर द ग्रुप अंडर रेडिएटा, तो बीच मेटा जो फाइला बता रहा है रेडिएटा, तो रेडिएटा में यानी रेडियो सिमेट्री बता रहा है। तो अभी बताया था वो मोलस्का एंड सिलेंटेटा, घुमा घुमा कर पूछा है अभी वो इकाइनोडर्मेटा और मोलस्का। यहाँ पर रेडिएटा बता रहा है रेडिएट सिमेट्री सिनेडिया निडेरिया एंड सिलेंटोट सिल्टिनोफोरा। निडेरिया और सिलेंटेटा बहुत टीनोफोरा है, निडेरिया यानी सिलेंटेट है और टीनोफोरा अदर एनिमल है, तो दोनों यहाँ पर रेडिएटा क्लास में आते हैं ग्रुप में। बिच फॉलोइंग इज रॉन्गली एसोसिएट विथ सेफेलाइजेशन, तो बता रहा है इनमें से कौन स्ट्रॉन्गली एसोसिएट पे सेफेलाइजेशन जो है संबंधित है। 15 का सही होगा बायलेटरल सिमेट्री जो है सेफेलाइजेशन से संबंधित है। बायलेटरल सिमेट्री एब्सेंट इन, तो किस में नहीं पाई जाती है, बायलेटरल मतलब कोई भी एनिमल हो उसको दो बराबर भागों में बांट दिया जाए तो उसे बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। जैसे ये एक इधर वाला भाग ये भाग, तो कौन सा है जिसमें बायलेटरल सिमेट्री नहीं होगा, फ्रॉग भी होगा मेल भी होगा और ऑक्टोपस ओवेलिया नहीं होगा, ऑक्टोपस भी होगा ओवेलिया नहीं होगा। तो आंसर यहाँ हमारा एक सही हुआ 16 का ओवेलिया जो कि रेडियल सिमेट्री है। बायलेटरल सिमेट्री एसोसिएट विद, तो यहाँ पर होगा मेटामरिज्म आंसर यहाँ पर 17 का डी हो जाएगा, सेफेलाइजेशन से संबंधित है बायलेटरल सिमेट्री सेफेलाइजेशन से संबंधित है। बीच सिमेट्री इज फाउंड इन द सी एनिमल में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, तो सी एनिमल में यहाँ पर असिमेट्री पाई जाती है बायरेडियल सी एनिमल में बायरेडियल सिमेट्री पाई जाती है।
यहाँ पर मैच करना है, सिमेट्री है और के कुछ जंतु हैं। तो यहाँ पर आर्थोपोडा है, निडेरिया है, पोरीफेरा है, टीनोफोरा है। तो टीनोफेरा में कोई सिमेट्री नहीं है और टीनोफोरा में कोई सिमेट्री नहीं, आर्थोपोडा में बायलेटर सिमेट्री है। निडेरिया में यहाँ पर बायरेडियल सिमेट्री है और पोरीफेरा में रेडियल सिमेट्री। तो कोड क्या बन रहा है, पहले का क्यू है और दूसरे का एस है, तीसरे का आर है और चौथे का पी है। तो क्यू इधर है, पी उधर है, किसमें है? आंसर बी दिखाई दे रहा है 19 का। तो 19 का यहाँ पर तो निडेरिया का यहाँ पर क्या था, और आर्थोपोडा यहाँ पर बायलेटर सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री यहाँ पर पोरीफेरा, टीनोफोरा में यहाँ पर आसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री यहाँ पर तो निडेरिया में। तो कोई ऑप्शन क्या बन रहा है, तो आसिमेट्री यहाँ पर पोरीफेरा में पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री है निडेरिया में पाई जाती है, बाई रेडियल सिमेट्री जो है टीनोफोरा में पाई जाती है और बायलेटर सिमेट्री आर्थोपोडा में पाई जाती है। आंसर सी सही होगा। ऑल डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर, तो ऑल डिप्लोब्लास्टिक मीन्स होता है दो लेयर में बटा हुआ एनिमल, एक्टो एंड इंडो, यानी आउटर मोस्ट सेल एंड इनर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल को एक्टोडर्म कहते हैं और इनर मोस्ट सेल को इंडोडर्म कहते हैं। तो टू लेयर जो एनिमल है उसे डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन सा है? तो 20 का आंसर यहाँ पर डी होगा, और रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल। ये रेडियल सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक एनिमल एज, तो एग्जाम्पल बता रहा कौन सा है, और रेडियल सिमेट्रिकल यहाँ पर 21 का एक हो जाएगा हाइड्रा, जो कि सिलेंटेट है। ऑर्गेनिज्म अटैच टू सबस्ट्रेटम जनरली प्रोसेस, तो जो सबस्ट्रेटम से अटैच होता है वो जनरली प्रोसेस और रेडियल सिमेट्री। अब 22 का आंसर एक हो जाएगा, सिलेंटेट की बात कर रहा है वो, यहाँ पर पोरीफेरा की बात कर रहा है। सेसल जो ऑर्गेनिम्स एनिमल्स हैं पोरीफेरेंस, उनकी बात हो रही थी। रेडियल सिमेट्री इज ऑफन एक्सिबिटेड बाय द एनिमल हैविंग सेलरी मोड ऑफ फीडिंग, एक्यूटिक मोड ऑफ लाइफ, या फिर बैंथिक, या फिर यहाँ पर होगा एक्यूटिक ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कनाल। किस तरीके के होते हैं रेडियल सिमेट्री के एनिमल्स? तो यहाँ पर होगा एक्यूटिक मोड ऑफ लाइफ। 23 का आंसर सी होगा, बैंथा सेडेंटरी है नेचर, सेडेंटरी बैंथस होते हैं जो ज़मीन के तलों पर रहते हैं, और रेडियल सिमेट्री सेडेंटरी नेचर होते हैं। एनिमल विद द रेडियल सिमेट्री इन अडल्ट एंड बायलेटर सिमेट्री इन लार्वा, तो यहाँ पर बता रेडियल सिमेट्री अडल्ट होगा, बायलेटर सिमेट्री इसमें लार्वा होगा, तो कौन सा एनिमल है? इकाइनोडर्मेट है जो कि रेडियल सिमेट्री अडल्ट दिखा देता है, और बायरेडियल सिमेट्री यहाँ पर जो उसका बाइपेनियल लार्वा है वो प्रदर्शित करता है। एनिमल हैविंग डिप्लोब्लास्टिक आसिलोमेट कंडीशन इज, तो डिप्लोब्लास्टिक आसिलो यहाँ पर निमेटो हेलमिंथीज होगा, तो आंसर यहाँ पर 25 का बी सही होगा, मैंडिपोरिडियम। तो डिप्लोब्लास्टिक आसिलोमेट, यहाँ पर एस्केरिस लग रहा है मुझे फिलहाल, हम गूगल करके देख लें, मेडिटेरियम नहीं हो सकता है, निमेटोड जो है आसिलोमेट होते हैं, तो डिप्लोब्लास्टिक होते, तो आंसर हमारा एक सही है। आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर, तो आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं
रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री होंगे। चूज द करेक्ट कम्बिनेशन, तो यहाँ पर करेक्ट कम्बिनेशन एंटेरियर, एंटेरियर द टेल एंड, गलत है यहाँ पर। दूसरा बता रहा पोट्रियर द हेड एंड, ये भी गलत है। सिफेलिक, सिफेलिक टूवार्ड द टेल, ये भी गलत है। पिक्टोरल द चेस्ट रीजन, आंसर यहाँ पर डी सही होगा 27 का। गिव द करेक्ट मैचिंग ऑफ द टर्म डिस्क्रिप्शंस, जो दिया गया है उनके बारे में कौन सा सही है। वेंट्रल द बेली ऑफ एनिमल, सो तो यहाँ पर पहला सही है। और दूसरा क्या बता रहा, सुपीरियर बिलीव द पॉइंट ऑफ रेफरेंस ओरल एंड ऑफ अपोजिट माउथ, ये भी गलत है। और यहाँ पर अबरोरल द एंड टुवार्ड द माउथ, ये भी गलत है। तो ये सारे गलत हैं, पहला ही सही होगा 28 का, एक हो जाएगा सही। वेंट्रल रीजन जो है तो वो वेंट्रल रीजन होता है, जैसे कोई एनिमल ये है तो ये वेंट्रल रीजन है उसका, ये फिश है इसका, ये वेंट्रल रीजन है और ये डॉर्सल रीजन है। तो यहाँ पर ये वेंट्रल रीजन, ये डॉर्सल रीजन, तो पहला यहाँ पर सही होगा। सेगमेंटेशन आर मेटामरिज्म इज फर्स्ट सीन इन, तो सेगमेंटेशन है मेटामरिज्म, तो किस में सबसे पहले देखी गई थी, एनिलिडी में। 29 का एक सही सही होगा, एनिलिडिस सेगमेंटेशन मेटामरिज्म। बॉडी अनसेगमेंट इन, तो अखंडित बॉडी किसी होती है जिनमें खंड नहीं होते हैं। हाइड्रा है, राना टिग्रीना है, वो राना या मेटाफिर या पेरीफिर या हाइड्रा, तो 30 का आंसर भी होगा हाइड्रा में, बिना खंडों की बॉडी होती है अनसेगमेंटेड। बेसिडिया द एनिलिड द आर्थ्रोपोड मेटामरिज इज फाउंड इन, बता रहा है बेसिडिया जो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के अलावा और किसी मेटामरिज में पाई जाती है, तो यहाँ पर सेगमेंटेशन कहते हैं मेटामरिज को, तो किस में पाई जाती है, मोलस्का में। 31 का आंसर यहाँ पर होगा कार्डेट्स में, कार्डेट्स में भी सेगमेंटेशन पाया जाता है, जैसे कि फ्रॉग है और स्नेक है। एसीलोम, एसीलोमो, एसीलम यानी बॉडी कैविटी डेरिवेट फ्रॉम द ब्लास्टोसील इज नाउन, तो जो ब्लास्टोसील से यहाँ पर जो सीलम बनती है बॉडी कैविटी उसे क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील से उसे क्या कहते हैं, जो ब्लास्टोसील से सीलम डेरिवेट होती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे साइजोसील कहते हैं या सीडो या एंटोसील, तो उसे यहाँ पर कहते हैं 32 का डी होगा सीडोसील। बॉडी कैविटी लाइन बाय सीलिया, तो इसे कैविटी बायो इंट्रोसील कहते हैं। इंट्रोसील एनिलिडा में पाई जाती है, तो जो बॉडी कैविटी है सीलोम जो कि ब्लास्टोसील से डेरिवेट होती है उसे यहाँ पर सीडोसील कहते हैं। सीडोसील इज फाउंड इन, तो सीडोसील यानी झूठी यहाँ पर आइसक्रीम में पाई जाती है, आंसर एक सही होगा 33 का एक है, एस्केरिस है सीडोसील और निमोटेडो सही है। द एनिमल विथ सीडोसील, तो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर जो भी एनिमल हैं एलिमेंट्रीज वो उसी में पाया जाता है सीडोसील, तो 34 का डी होगा, क्योंकि आल एलिमेंट्रीज हैं जो भी निमेटोड तो उनमें सीडोसील पाई जाती है। सीलोम इज एट स्पेस बिटवीन, तो सीलोम स्पेस बिटवीन मीजोडर्म है, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म, स्पिल्टेड मीजोडर्म, आंसर 35 का एक हो जाएगा। स्पिल्टेड होता है जो कि मीजोडर्म में, मीजोडर्म में खंड बने होते हैं उसी के द्वारा स्पेस होता है सीलोम का, तो उसे कहते हैं सीलोम। बॉडी कैविटी लाइंड बाय द मीजोडर्म, तो उसे कहते हैं सीलोम, जो बॉडी कैविटी है लाइंड बाय द मीजोडर्म तो उसे ट्रू सीलोम या सीलोम कहते हैं। द इंट्रोसीलोमेट इन्वर्टिब्रेट ग्रुप इज, तो इंट्रोसीलोमेट जो एनिमल वर्टिब्रेट ग्रुप है तो वो यहाँ पर इंट्रोसीलोमेट जो इंट्रोसीलोमेट एनिमल इन्वर्टिब्रेट एनिमल है इकाइनोडर्मेट्स, 37 का यहाँ पर डी होगा, इकाइनोडर्म में इंट्रोसीलो होता है
साइजो सील यहाँ पर एनलीडिया में पाया जाता है, मोलस्का आर्थ्रोपोडा में यहाँ पर स्यूडोसिलो साइजो सील अनिलिडा में पाई जाती है, एनिलिडा में साइजो सील और इसमें यहाँ पर इंट्रोसील इकनोडर्मेटम, मोलस्का में आर्थ्रोपोडा में यहाँ पर ट्रू सीलो में पाई जाती है, ट्रू वाली दोनों में। एनिमल बीच हैव द मार्क्ड डाइजेस्टिव कैविटी या पट अंडर, तो डाइजेस्टिव कैविटी जिसमें पाई जाती तो उसे किस में रखा गया है ग्रुप में, यहाँ पर 38 का डी सही होगा, इंट्रोजुआ यहाँ पर मैच करना है। तो प्लेटी हेलमेंथीज यहाँ पर कैविटी है उसमें और जो फाइलम है, साइजोसील मैंने बताया था एनिलिडा में पाई जाती तो एनिलिडा में, निमेटोइड में कोई भी नहीं पाई जाती यानी सीडोसीलियम में सीडोसीलोम। पेलेटी हेलमेंटीज में यहाँ पर नो बॉडी कैविटी और इंट्रो यहाँ पर इकनोडर्मेटम में इंट्रोसील, तो कोड क्या बन रहा है, पहले का क्यू होगा, पहले का क्यू दूसरे का आर, तीसरे का एस, चौथे का पी। तो शुरू में क्यू है, लाट में पी है, क्यू पी, तो यहाँ पर किसमें मिल रहा है शुरू में क्यू लाट में पी, तो आंसर यहाँ पर बी मिल रहा है क्योंकि पहले का क्यू है, दूसरे का आर, तीसरे का एस, चौथे का पी, तो 39 का आंसर बी सही होगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग फाइला आर इंक्लूडेड इन इंट्रोजुआ, कौन सा इंट्रोजुआ में फाइलम रखा गया है, 40 का आंसर सी सही होगा, मोलस्का आर्थ्रोपोडा हेमिकार्डेटा। प्रोटोस्टोम्स एंड डिटोरोस्टोम डिफर इन, जो प्रोटोस्टोम्स जो होते हैं जो एनिमल जो है वो ब्लाटो जो पोर बनता है, प्रोटोस्टोम में प्रोटोस्टोम जो एनिमल है तो उसमें ब्लाटोपोर से यहाँ पर माउथ बनता है और डिटोरोस्टोम से यहाँ पर वो प्रोटोस्टोम से एनस बनता है, डिटोरोस्टोम से माउथ बनता है। तो इनमें दोनों में बता रहा अंतर क्या है, तो ओरिजिन ऑफ माउथ एंड एनस, आंसर यहाँ पर बी सही होगा 41 का। वो टाइप ऑफ क्लीवेज और उसकी क्लीवर भी आधारित है और ओरिजिन ऑफ माउथ एंड एनस भी, मोड ऑफ सीलोम फार्मेशन, सीलोम जो विधि भी होती है यहाँ पर मोड भी होता है सीलोम फार्मेशन का और ये सभी होता है यहाँ पर, इसी से यहाँ पर प्रोटोस्टोम और डिटोरोस्टोम से भिन्न होते हैं एक दूसरे, क्लीवेज अलग तरीके होता है, ओरिजिन माउथ एंड एनस अलग अलग तरीके के होते हैं और भिन्नता होती है यहाँ पर, और सीलोम जो है फार्मेशन से, तो सीलोम भी विभिन्न तरीके से डेवलप होगी, तो यहाँ पर दोनों भिन्नता दोनों के कारण होती हैं यहाँ पर, आंसर डी सही होगा, ऑल ऑफ अबव ये सभी उपयुक्त। द अर्थवर्म इंसेक्ट एंड स्नेल आर, अर्थवर्म इंसेक्ट एंड स्नेल, तो यहाँ पर जो अर्थवर्म इंसेक्ट और ये सारे जो हैं प्रोटोस्टोम होंगे, 42 का आंसर बी सही होगा, जो कि मामल्स हैं, इंसेक्ट वर्टिब्रेट जो कि हैं कार्डेट्स हैं, वे सारे डिटोरोस्टोम से आते हैं यानी माउथ डेवलप पे ब्लाटोपोर से माउथ डेवलप होता है यहाँ पर, और डिटोरोस्टोम में जो कि ब्लाटोपोर से माउथ डिटोरोस्टोम से यहाँ पर माउथ डेवलप होता है और प्रोटोस्टोम से एनस, और यहाँ पर ब्लाटोपोर से जिसमें और जिस ब्लाटोपोर से जिस क्लीवेज में जो ब्लाटोपोर है उससे अगर माउथ डेवलप होगा तो यहाँ पर वो डिटोरोस्टोम्स होगा और एनस डेवलप होगा तो उसे हम प्रोटोस्टोम्स कहते हैं एनिमल। तो इन अर्थवर्म इंसेक्ट एंड एनस वो स्नेल, अर्थवर्म इंसेक्ट एंड जो स्नेल है तो ये इनवर्टिब्रेट है, तो इनवर्टिब्रेट जो कि इनका ब्लाटोपोर से माउथ स्टोम वो है एनस डेवलप होता है तो इसे प्रोटोस्टोम्स कहेंगे। बीच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज डिटोरोस्टोम्स, तो यहाँ पर डिटोरोस्टोम्स के ग्रुप कौन कौन से, तो यहाँ पर मोलस्का एनिलिडा और कार्डेटा पहला ही सही होगा आंसर।
43 का 91 डरमेटा होगा, नेमी का डेटा और का डेटा, आंसर डी सही होगा। 91 डरमेट्स और डरमेटा, एक हेमी का डेटा एंड का डेटा, ये सारे जो हैं डिटोरो टर्म्स, यानी जब क्लीवेज होता है तो यहाँ पर माउथ डेवलपमेंट होता है ब्लड टपोर से, तो इसे डिटोरोस्टोम्स कहेंगे। आइडेंटिफाई द डिटोरोस्टोम्स, तो यहाँ पर इसमें एग्जांपल दिया है कौन सा डिटोरोस्टोम्स है, 44 का आंसर डी सही होगा। ओपियोथ्रिक्स, डिटोरोस्टोमिया आर द एनिमल इन विच ब्लास्टोपोर ऑफ गैस्टुला बिकम माउथ, वो माउथ, हाँ आंसर 45 का एक सही होगा। वो डिटोरोस्टोम द एनिमल इन बीच ब्लास्टोपोर डेवलप ब्लास्टुला बिकम एनस, जो डिटोरोस्टोम से यहाँ पर जो एनिमल है ब्लास्टोपोर से एनस डेवलप होगा, और जो प्रोटोस्टोम से उसमें ब्लास्टोपोर से जो गैस्टुला के माउथ डेवलप होगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग इनवर्टिविट है, ये डिटोरोस्टोम्स एंड इंट्रोसिलिक एनिमेट इंट्रोसिलोमेट, तो इंट्रोसिलोमेट यहाँ पर इकाइनोडर्मेट होता है, और डिटोरोस्टोम्स यानी जो एनस डेवलप होता है। तो इसमें से एनिमल है जो कि बता रहा है इंट्रोसिलोमेट है और डिटोरोस्टोम्स है, तो एस्टेरियास होगा, आंसर डी सही होगा 46 का। विच आर द फॉलोइंग एनिमल फाइला बिलोंग टू द डिटोरोस्टोमिया, तो इकाइनोडर्मेट्स है जो कि अभी ऊपर हमने स्टार फिश का एग्जांपल देखा था। व्हाट इज द करेक्टर फीचर ऑफ डिटोरोस्टोम्स, तो यहाँ पर डिटोरोस्टोम्स में स्पाइरल क्लीवेज ब्लास्टोपोर बीकम एनस, जो स्पाइरल क्लीवेज ब्लास्टोपोर बीकम एनस, तो 48 का आंसर बी सही होगा। रेडियल क्लीवेज ब्लास्टोपोर बीकम एनस, रेडियल सिमेट्री होता है यहाँ पर, क्लीवेज जो है रेडियल सिमेट्रिक टाइप होता है, ब्लास्टोपोर से एनस बनता है। आइडेंटिफाई द ग्रुप इन द फॉलोइंग हैविंग द एनिमल बीकम बिलोंगिंग द सेम क्लास, तो इनमें से कौन सा एनिमल है जो कि सेम क्लास से संबंधित है। तो सी आर्चिन, से कुकुम्बर, से फैन और सी लायन, ये तो अलग अलग हैं। डॉग फिश, सिल्वर फिश, किराई फिश के फिलेट फिश, तो यहाँ पर सेंटीपीड, एथबाम, कैटरपिलर, ये तो अलग अलग जाती हैं। सी आर्चिन, सी कुकुम्बर, सी फैन एंड सी लिली, सी लायन, तो ये सारे मोलस्का के ग्रुप हैं, तो आंसर यहाँ पर 49 का बी सही होगा। वो यहाँ पर ये बी गलत है, यहाँ पर सी आर्चिन अलग है, सी कोकुम्बर अलग है। तो यहाँ पर ग्लोवाम, सिल्कवाम, हाउस फ्लाई एंड बेड बग, ये सारे इंसेक्ट हैं, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा है यहाँ पर, तो आंसर बी सही होगा, ग्लोवाम, सिल्कवाम, हाउस फ्लाई, बेड बग। चूज द करेक्ट कम्बिनेशन, तो इनमें से कौन सा सही है, एनिडा एंड पोरीफेरा फाइला है, सही है। तो दूसरा बता रहा है ओलिगिकीटा एंड आर्थ्रोपोडा, ये गलत है, ये फाइला नहीं है। मोलस्का एंड हाइड्रोजुआ, मोलस्का फाइलम, हाइड्रोजुआ क्लास, ये भी गलत है क्योंकि मोलस्का फाइलम है वो गिला। एबीज एंड काडेटा, एबीज यहाँ पर क्लास है, काडेटा फाइलम, ये भी गलत है, आंसर यहाँ पर एक सही होगा 50 का। इन विच वन फॉलोइंग ग्रुप्स ऑल एनिमल आर द हर्माप्रोडाइट, हर्माप्रोडाइट यानी बाईसेक्सुअल या बाईसेक्सुअल एनिमल, लीच होगा और लीच, हाइड्रा, होमो सेपियंस, यहाँ पर होमो सेपियंस लिखा लिया, ये गलत है। हाइड्रा लीच टेपबम, हाइड्रा लीच टेपबम, आंसर यहाँ पर टेपबम टोट स्टारफिश, तो आंसर यहाँ पर बी है 51 का। हाइड्रा है, लीच है और टेपबम है, बाईसेक्सुअल एनिमल यानी हर्माफ्रोडाइट, ऐसे एनिमल जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, तो उसे हर्माफ्रोडाइट या बाईसेक्सुअल एनिमल कहते हैं। इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज भी कोई कोई में दिखाई देती है। गोरिल्ला, चिंपैंजी, मंकी आर मैन बिलोंग टू द, गोरिल्ला, चिंपैंजी, मंकी एंड मैन बिलोंग टू द सेम ऑर्डर, आंसर 52 का बी होगा, वो 52 का डी, प्राइमेट ऑर्डर है इनका सभी का। बीच ऑफ द फॉलोइंग शो द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज, तो यहाँ पर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म एस्केरिथ भी दिखाता है,
और इंट्रो ग्लॉसेस भी दिखाता है। तो वह आंसर 53 का सी होगा। एस्केरिस भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म दिखाता है और इंट्रो ग्लॉसेस भी। एस्केरिस में मेल जो है वह छोटा होता है और फीमेल थोड़ा बड़ी होती है। मेल जो है थोड़ा छोटा होता है, उसका ये किस तरीके से क्वाइलेट होता है पीछे एंटीरियर पोस्ट क्वाइलेट होता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इसी के कहते हैं जो मेल और फीमेल में थोड़ा अंतर हो। पोअरली डिफाइंड टिश्यू लेयर फाउंड इन सबसे कम जो है डिफाइंड की गई लेयर्स है वो किस में पाई जाती है? चौवन का ये हो जाएगा, पोरीफेरा में बहुत कम ही जो है टिश्यू लेयर फाउंड पाई जाती है, क्योंकि ये सेलुलर ग्रेड होते हैं पोरीफेरन्स। बीच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज ए डिटोरोस्टोम्स, तो यहाँ पर स्टार फिश है और बाकी ये सारे एनिमल्स जो हैं, ये सारे एनिमल सारे जो हैं प्रोटोस्टोम के। एम्ब्रियोलॉजिकली स्पीकिंग सीलोम अराइज फ्रॉम द स्पिल्ट इनटू द मेजोडर्म एंड मेजोडर्मल बैंड प्लेट्स आर मासेस इन। तो जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्पीकिंग बता रही, एम्ब्रियोलॉजिकल स्पीकिंग सीलोम अराइज फ्रॉम द स्पिल्ट इन द मेजोडर्म बैंड प्लेट आर मास इन, तो यहाँ पर होगा मोस्ट प्रोटोस्टोमिया। आंसर डी होगा। इम्यूरोलॉजिकल स्पीकिंग सीलोम अराइज फ्रॉम द स्पिल्ट मेजोडर्म, मेजोडर्म से सीलोम डेवलप होती है तो उसे मोस्ट प्रोटोस्टोमिया कहते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रॉन्गली मैच, तो इनमें से कौन सा है? आर्थ्रोपोडा सही है काकरोच का, और एनिलिडा का हाइड्रा ये गलत है। एनिलिडा यहाँ पर हाइड्रा जो है बहुत उसका है सिलेंटेड का। एकनोडर्मेटा स्टारफिश का सही है और यहाँ पर निमेटेड एस्केरी ये भी सही है। तो आंसर हमारा पहला ही सही, दूसरा सही होगा, यही हमारा उत्तर है। दूसरा एनिलिडा बता रहा है, हाइड्रा ये गलत है, यही हमारा उत्तर है। 57 का बी यहाँ पर मैच करना है। और पॉलीकीटा यहाँ पर किला दिए गए हैं, पॉलीकीटा यहाँ पर ब्राउन का है जो कि नरीज है, और निमेटोड लीवर फ्लुक, और अकेनिडा यहाँ पर स्कॉर्पियन होगा, और गैस्ट्रोपोड यानी मोपाइला जो क्लास है इसका गैस्ट्रोपोडा, सब क्लास गैस्ट्रोपोडा, यहाँ पर लोबोसा क्लास। तो यहाँ पर कोड क्या बन रहा है, पहले का यस है, दूसरे का आर है, तीसरे का पी है, चौथे का क्यू है। तो आंसर यहाँ पर एस लास्ट में है, शुरू में एस है, लास्ट में पी है, तो शुरू में एस है लास्ट में पी है, पहला ये आंसर सही होगा हमारा। 58 का 1 है। विच वन फॉलोइंग ये प्रोटोस्टोमिया, तो प्रोटोस्टोमिया कौन सा है? जो इकाइनस ये तो है नहीं, ट्राइक्यूलेला, तो यहाँ पर एनिमल्स के नेम है 58 का ट्राइक्यूलेला। इन विच फॉलोइंग सिमेट्री द रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुली इन द क्विकर एंड मोर प्रेसाइज, तो यहाँ पर होगा बायलेटर सिमेट्री। विच वन फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द अनऑर्गेनिज्म एंड इट इज क्लासिफिकेशन, तो इनमें से कौन सा है बता रहा है अनऑर्गेनिज्म है उसके बारे में और क्लासिफिकेशन के बारे में सही बता रहा है? सेलिली काइंड ऑफ इकोनोडर्म सही है, ब्लू ग्रीन एलगी काइंड ऑफ फंगस ये गलत है, ब्लू ग्रीन एलगी है। तो बता रहा है सी आर्चिन, तो यहाँ पर हमारा उत्तर यही जो है गलत है। तो सत्य बता रहा कौन सा है, तो ये तो गलत है। सी आर्चिन इज क्लोजली रिलेटेड टू डॉल्फिन, मेडन हेयर फैक्ट्री इज अ काइंड ऑफ एंजियोस्पर्म ये तो गलत है, सेलिली काइंड ऑफ इकोनोडर्म्स। तो 61 का आंसर पहला ही सही होगा, सेलिली है एक इकोनोडर्मेंट्स है।
विच वन फर्नीचर इज कॉमन टू लीच कॉकरोच एंड स्कॉर्पियन, तो दोनों में सब में इनमें से कौन सा सेम जो है कि एक फीचर है कॉमन है, बेंटल नर्व कार्ड, या फिर ऐसे लिखते हैं दे है बेंटल नर्व कार्ड, ऐसे भी क्वेश्चन बना दिया था। सीलोमेट एनिमल इन विच ब्लैटोपोर डेवलप इनटू द एनस इज कॉल्ड, तो सीलोमेट एनिमल है जिसमें ब्लैटोपोर से एनस डेवलप हो, तो जैसे डिटोरोटोम्स कहते हैं, माउथ डेवलप हो तो उसे प्रोटोस्टोम। फ्रॉम द एंटानोमी फ्रॉम द टेक्जोनोमी पॉइंट ऑफ व्यू विच वन फॉलोइंग इज करेक्ट, तो 64 का आंसर यहाँ पर 64 का सी होगा यहाँ पर, पेपिलियो जेनोफाइला मस्का, ये सब जो हैं करेक्ट हैं, एक जो कि करेक्ट सीक्वेंस है टेक्जोनोमी के हिसाब से। सारे इंसेक्ट हैं। और हीमोफिल इज फाउंड इन, तो हीमोफिल इसमें पाई जाती है, किस में पाई जाती है, तो पेरीप्लेनेटा एंड पाइला में, तो आंसर यहाँ पर यानी आर्थोपोडा और मोलस्का में पाया जाता है हीमोफिल, और हीमोफिल तो आंसर यहाँ पर सी सही होगा 65 का। तो यहाँ पर चैप्टर चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, तो यहाँ पर जो है बता रहा है विच आर द फॉलोइंग एनिमल करेक्टली मैच्ड विद करेक्टर एंड टैक्जन, तो टैक्जन और करेक्टर के हिसाब से यहाँ पर कौन सा सही है, तो पहला बता रहा है मिलीपीड बेंटल नर्व कॉर्ड एक्रिनिडा, दूसरा बता रहा है डकबिल प्लेटिपस ओविपोराउस मामलिया, तो ओविपोराउस बता रहा है, बीवीपोराउस यहाँ बच्चे देने वाला, ओविपोराउस अंडे देने वाला, मामलिया ये तो गलत है। सिल्वर फिश पेक्टोरल पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन कॉर्डेटा, तो सी आर एनिमल ट्रिप्लोब्लाटिक निरेरिया, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर बी सही होगा, तो डक बिल प्लेटिपस ओविपोराउस मामलिया, एक ऐसा जो एनिमल है जो बच्चे देने वाला वो ओविपोराउस है, अंडे देने वाला जो कि है वो मामल है। तो 66 का आंसर यहाँ पर बी सही होगा, डक प्लेटिपस ओविपोराउस मामलिया। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज द करेक्टर इट टेक्स अप एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, विच वन इज इनकरेक्ट, तो इनमें से कौन बता रहा कौन सा गलत है, एडेनिया हिर्डो नेमेटोडा एस्केरिस वोलिकीटा लुमरिकस मैटा पर, तो वोलिकीटा लुमरिकस ये गलत है, एस्केरिकस लुमरिकस होता तो 68 का आंसर सी होगा, ये गलत है। साइजो सीलोमेट एंड इंट्रो सीलोमेट एनिमल्स आर, साइजो सीलोमेट और इंट्रो सीलोमेट एनिमल इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, वो साइजोसील एंड इंट्रोसीलोमेट एनिमल एनिलिडा और इकाइनोडर्मेट होते हैं, तो दोनों इनवर्टिब्रेट होते हैं, 69 का सी सही होगा, ट्रू सीलोमेट, दोनों में ट्रू सीलोमेट पाई जाती है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पेयरिंग ऑफ द क्लासिफिकेशन एंड ग्रुप एग्जाम्पल, ओरिफेरा सेफ एंड ये गलत है, दूसरा बता रहा है क्रटेसिया कटर फिश प्लेटी एलिमेंटी नेरीज यह गलत है, मस्टिकोपोरा बॉल बॉक्स ये सही है, कटर फिश बता रहा है ये भी गलत है, कटर फिश यहाँ पर सिलेंटेड है, तो आंसर हमारा डी सही हुआ 70 का, मस्टिकोपोरा जो कि क्लास बॉल बॉक्स का है। द रेडियल सिमेट्री द ऑब्जेक्ट इन, तो रेडियल सिमेट्री यहाँ पर किन में देखने को मिलती है, तो यहाँ पर इकानोडर्मेट में देखने को मिलती है, सिलेंटेड में देखने को मिलती है, तो आंसर 5 और 2 सही होगा, 5, 2 और 3, वो यहाँ पर 5, 2 में देखने को मिलती है, तो आंसर 1 सही होगा, 71 का, तो इकानोडर्मेट में देखने को मिलती है सिलोडेंट 2, 5, तो आंसर यहाँ पर 1 सही होगा। यहाँ पर मैच करना है उसके लार्वा और वो एनिमल्स हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है।
तो 72 का आंसर यहाँ पर मिलाना है। तो पेट्रोमाइजोन का यहाँ पर अमीटोसी लार्वा होगा और तीसरे बी का यहाँ पर तीसरा होगा होलोथोरिया एलिकुलर लार्वा एलिकुलेरिया लार्वा और बी का तीसरा, सी का यहाँ पर दूसरा होगा एम्बेस्टोमा एक्जोलोटल लार्वा और निडेरिया का यहाँ पर पिलूना लार्वा होगा सी का पहला। तो यहाँ पर डी का यहाँ पर पहला होगा पॉलीकीटा पिलूनुला, निडेरिया का यहाँ पर सही है ट्रोकोपोल लार्वा सिलेंटेट है ये, तो आंसर बी सही होगा। अंडरस्टैंडिंग डिफर फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम द सिमेट्री सिमेट्री द टर्म यूज्ड अस प्रिंसिपल एक्सिस मींस, तो अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सिमेट्री द टर्म यूज्ड द प्रिंसिपल एक्सिस मींस इज, तो यहाँ पर होगा 73 का सी होगा। यहाँ पर अन इग्जिमिनरी स्ट्राइट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट एंड वन एंड मिड पॉइंट इज द अपोजिट एंड, तो यहाँ पर कोई भी एनिमल है उसका इस तरीका से और इस तरीका से यहाँ पर दोनों एंड मिलाए जाएँ तो उसे एक सिमेट्री हम ज्ञात कर सकते हैं। यूपिलेक्टेला यहाँ पर एनिमल है और उसका यहाँ पर वो एनिमल है और उसका क्लाद दिया है एनिमल और उसका वो कॉमन नेम दिया गया है। तो एलिटस का यहाँ पर क्या होगा मिडवाइफ टोड तो यूपिलेक्टेला का यहाँ पर होगा बीनस फ्लावर यूपिलेक्टेला बीनस फ्लावर और फाइसेलिया का यहाँ पर क्या है पुर्तगाली बार ऑफ मैन और पैनिटुला यहाँ पर समुद्री पंखा कहाँ है ऊपर ये समुद्री फेर और इंट्रोबियस तो यहाँ पर पिनवार्म को कहते हैं आइलाइटस मेडवाइप टोड आंसर डी सही होगा। यहाँ पर भी मैच करना है काकरोच लैक्टस एंड टीनिया तो इस तरीके के क्या है जॉइंटेड अपेंजेड यहाँ पर लीवर फ्लूक सी में एनिमल सी कोकुम्बर तो इस तरीके के क्या है ये एनिमल विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर थ्री एनिमल्स ईच द करेक्टली मैच्ड विद द देयर कैरेक्टरिस्टिक्स मॉर्फोलॉजिकल तो इनमें से बता रहा है तीन चार एनिमल हैं इनमें से कौन सा सही मैच है तो यहाँ पर कौन सा सही मैच है काकरोच लॉक्टस एंड टीनिया ये तो गलत है तो यहाँ पर स्लीवर फ्लोक सी एनिमल ये भी गलत है एनिमल है जो कि उनके ग्रुप के हिसाब से सही नहीं है काकरोच स्पीडर और स्कॉर्पियन तो यहाँ पर ये सारे जॉइंटेड हैं तो दे हैव सॉलिड नर्वस सिस्टम वो दे हैव वेंट्रल सॉलिड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो यहाँ पर यही सही होगा इनका सही मैच है और सारे गलत है आंसर डी सही होगा। विच वन फॉलोइंग फाइला इज करेक्टली मैच्ड विद द इट्स टू जनरेशन जनरल करेक्टर्स कार्डेटा नोटोकार्ड एट द स्टेज ऑफ सेपरेशन एनल एंड यूनरी ओपनिंग द मोलस्का नॉर्मली ओविपोरस एंड डेवलपमेंट ए ट्रोकोपोर आर बायलेजा लार्वा आर्थोपोडा बायोलेट्री सिमेट्री हे थोरेक्स एंड अबडोमिन एंड रेस्पिरेटरी ट्रेकिया आंसर सी सही होगा। और छिहत्तर का यहाँ पर जो बी सही होगा मोलस्का नॉर्मली ओविपोरस डेवलपमेंट थ्रू द ट्रोकोपोर एंड बायलेजा लार्वा तो इसमें क्या गलत था इसमें था जो कि बॉडी डिवाइडेड इंटू हे थोरेक्स एंड अबडोमिन आर्थोपोडा
रेस्पिरेशन व ट्रेकिया, तो यहाँ पर नॉर्मली ओवी पर बता रहा है डेवलपमेंट थ्रू द ट्रोकोपोर और बेलीजर लार्वा। तो अब इसमें क्या गलत था आर्थ्रोपोडा में, इट बॉडी डिवाइड इनटू हेड थोरक्स एंड एब्डोमेन एंड रेस्पिरेशन बाय ट्रेकिया। तो यहाँ पर सारे आर्थ्रोपोड्स हैं जो कि ऐसे नहीं हैं, सारे हेड थोरक्स और एब्डोमेन में मोस्टली नहीं डिवाइड होते हैं, तो इसलिए आंसर बी सही होगा। बिच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो इनमें से कौन सा गलत है एक बार और देख लें, यहाँ पर गलत तो नहीं हो रहा है। विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो इनमें से कौन सा फॉल्स है गलत है यानी, ह्यूमन टीथ आर द एनाटोमिकली कंपेरेबल टू स्केल्स आर शार्क, ये गलत है। डिप्लोब्लास्टिक अनसेगमेंटेड सीलोमेट एक्सिबिट बायलेटरल सिमेट्री एंड द प्रोड्यूसिंग बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल विद द सम पैरासाइटिक फॉर्म दे हैव डिस्क्रिप्शन इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम। तो टिप्लोब्लास्टिक है और बता रहा है अनसेगमेंटेड असीलोमेट है, तो ये फाइलम का यहाँ पर किसका है, प्लेटी हेलमेंथीज का करेक्टर है। इन बीच डिप्लोब्लास्टिक एनिमल सीलोम इज अब्सेंट, तो इनमें से कौन है सीलोम नहीं पाई जाती, नो सीलोम प्लेटी हेलमेंथीज। यहाँ पर मैच करना है फिर प्रोटोजुआ है, तो प्रोटोजुआ कौन सा है, तो 80 का यहाँ पर फोटो जो है जो कि मोनोसिस्टिस है, और यहाँ पर पैनेटुला है, निडेरिया है। प्रोटोजोआ का यहाँ पर मोनोसिस्टिस और यहाँ पर आस्के हेलमिंथीज जो की है वो की बाउचेरिया है, पोरीफेरा है, क्लियोन है, वो पोरीफेरा क्लियोन है, और टीनोफोरा पेनिटुला है। मोनोसिस्टिस प्रोटोजोआ है, एसके एलमिंथीज बाउचेरिया है, पोरीफेरा क्लियोन है, और टीनोपोरा जो है बोअर है, और निडेरिया ने सिलेंटेड पेनिटुला। तो आंसर सी सही होगा। लार्वा इज फाउंड इन, तो लार्वा किन में पाए जाते हैं, तो वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट दोनों में, आंसर यहाँ पर सी सही होगा। बीच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इनमें से कौन सा सही नहीं मैच है, एनिलिडा एंटोसीलियन सही है, पिलेटी एलिमेंट थी असीलोमेट सही है, आर्थोपोडा सीजो साइजो सीलोमेट ये गलत है, निमेटो एलिमेंटीज यहाँ पर आंसर बी सही सी सही होगा, ये गलत है, ये मैच नहीं है, हीमोसील पाई जाती है इसमें, बता रहा है सीजोसील ये गलत है, आर्थ्रोपोडा में हीमोसील पाई जाती है, एनिलिडा में इंट्रोसील और प्लेटी एलिमेंटी असीलोमेट। विच वन फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द एनिमल इज बायलेटरी सिमेट्रिकली एंड टिप्लोब्लास्टिक, तो यहाँ पर एसके एलिमेंटी जिसके राउंड बार्म, डिटोरोस्टोम कंडीशन एंड इन डिटरमिनेट रेडियल क्लेवेज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ
डिटोरो टर्म्स यहाँ पर 84 का आंसर बी सही होगा, कार्डेट एंड इकाइनोडर्मेट्स, इनडिटर्मिनेट जो कंडीशन है जो कि डिटोरो टर्म की रेडियल सिमेट्री है, करेक्ट एग्जाम आर कार्डेट और इकाइनोडर्मेट्स। क्रॉस सेक्शन ऑफ बॉडी इनवर्टिब्रेट गिवन द ब्लू, आइडेंटिफाई द एनिमल इज बॉडी प्लान। तो ये एनिमल दिया गया है, इसमें कौन सा एनिमल है ये बता रहा है, ये सेक्शन दिया है। एलिमेंट्री कैनाल पेरेंकेमा वॉलीबॉल, तो एलिमेंट्री कैनाल, तो यहाँ पर ये राउंड बार्म है, आंसर 85 का डी सही होगा, जो 85 का ये हुआ प्लेन एरिया। व्हाट इज द बेस्ट वे टू, बेस्ट वे टू रिलेटेड अप टू स्पीसीज, तो यहाँ पर डीएनए एंड प्रोटीन, दो स्पीसीज की जानकारी के लिए हम डीएनए और प्रोटीन से पता लगाते हैं कि इनका संबंध है कि नहीं है, कहाँ तक संबंध है इनका। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टेल फॉर स्पॉन्जिला लीच डॉल्फिन एंड पेंगुइन, पेंगुइन इज करेक्ट, स्पॉन्जिला हैज स्फेरिकल कॉलर एंड बता रहा हैज काले द कॉनोसाइट नॉट फाउंड इन द रिमेनिंग टेरी। दूसरा बता पेंगुइन, तो इसमें बता रहा है फोर जो है इनके बारे में कौन सा सही है, लीच फ्रेश वाटर बता रहा है जबकि अदर एनिमल्स जो हैं ऑल द बायलेटर सिमेट्री करी, तो आंसर यहाँ पर डी सही होगा 87 का, वो 87 का एक सही होगा। स्पॉन्जिला है स्फेरिकल, स्पॉन्जिला स्फेरिक स्पेशल कॉलर सेल कॉल द कॉनोसाइट्स। तो स्पॉन्जिला यानी पोरीफेरंथ है जिसमें कॉलर सेल पाई जाती है कॉनोसाइट में, और जो कि नॉट फाउंड इन द रिमेनिंग थ्री, इनमें तीनों में नहीं पाई जाती है, विशेषता है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट विद द रिगार्डिंग डिटोरोटोम्स, तो द डिटोरोटोम डेवलप इनटू द एनस सही है इन अडल्ट, डिटोरोटोम डेवलप इनटू द माउथ इन अडल्ट ये गलत है, तो पहला सही है। और क्या होता है, क्लीवेज रेडियल इनडिटर्मिनेट, क्लीवेज इंस्पायरल एंड डिटर्मिनेट, तो एक और तीन सही हुआ, आंसर 88 का एक सही हुआ। इसमें ब्लास्टोपोर डेवलप होता है एनस से, और क्लीवेज यहाँ पर इनडिटर्मिनेट होता है, तो क्लीवेज रेडियल होता है जो कि इनडिटर्मिनेट होता है, तो एक और तीन सही होगा। चूज द एनिमल विद विच एक्सिबिट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पर होगा बता रहा है कि मैराइन है, उसका बाद दूसरा बता रहा है बायलेटर सिमेट्री कैन एंड सेफेलिजाइजेशन, तीसरा बता रहा है हीमोसील एंड प्रिंसिपल बॉडी कैविटी है, आई सिमिलर टू डेट ऑफ वर्टिब्रेट, तो इनमें से कौन सा है, बायलेटर सिमेट्री है और मैराइन हैबिटेट है, हीमोसील है तो कटलफिश होगा, यहाँ पे कटलफिश एक आर्थ्रोपोड है, 89 का डी सही होगा, आर्थ्रोपोड है कटलफिश, ये सारे लक्षण इसी के हैं। द प्लान दैट डिवाइड बॉडी इनटू द राइट एंड लेफ्ट हाल्व, इसे क्या कहते हैं, राइट एंड लेफ्ट हाल्व में जो डिवाइड कर देता है उसे क्या कहते हैं बॉडी प्लान, तो 90 का आंसर सी सही होगा, सेजिटल। बीच एनिमल डू नॉट एक्सिबिट द रेडियल सिमेट्री, तो इनमें से कौन सा रेडियल सिमेट्री नहीं बनाता है, एनिलीडा, एनिलीडिस। द बॉडी के आप एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू द आइडेंटिकल हाफ इन ओनली वन प्लान, तो बता रहा कौन सा एनिमल है जो कि केवल एक ही बॉडी एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू द आइडेंटिकल हाफ इन ओनली वन प्लान, तो एक ही प्लान में मतलब बनाएगा, तो कौन सा है, तो बायलेटर सिमेट्रिकली आंसर सी सही होगा 92 का, जो कि स्कैरिस है इस तरीके से, तो उसको केवल एक ही तरह से हम बायलेट लेफ्ट राइट में बांट सकते हैं, इस तरीके से हम कर ही नहीं सकते, बन ही नहीं पाएगा, इसमें दो बराबर भागों में नहीं बट पाएगा। बायलेटर सिमेट्रिकली होगा। स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल इज लाइंड बाय मेजर टर्म इज कॉल्ड,
यहाँ पर सीलोम कहा जाता है। ये बायलेटर सिमेट्रिकल डिटोरोस्टोम इज क्लासीफाइड इन टू द फाइलम। तो डिटोरोस्टोम जो क्लासीफाइड इकानोडर्मेट्स। यहाँ पर कार्डेट होगा क्योंकि बायलेटर सिमेट्री के कार्डेट में होगा, यहाँ पर डिटोरोस्टोम दोनों में बटे होगा और इकानोडर्मेट एंड कार्डेट में, तो आंसर बी सही होगा। विच विच वन फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच विद द पार्टिकुलर नेम्ड टॉक्सोनॉमिक कैटेगरी। टाइगर टाइग्रिस स्पीसीज है बता रहा है, टाइगर टाइग्रिस स्पीसीज और हाउस फ्लाई मस्का एंड ऑर्डर बता रहा है, तो ये भी गलत है। कटल फिश मोलस्का है बता रहा है, ये क्लास है, ये गलत है। ह्यूमन प्राइमेट द फैमिली बता रहा है, तो स्पीसीज है टाइग्रिस टाइगर की, तो यहाँ पर आंसर एक सही होगा 95 का। बिच आर द बिच दीज स्टेटमेंट आर द इनकरेक्ट, तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। छियानवे का आंसर यहाँ पर बी सही होगा, जो एक और दो ये जो है इनकरेक्ट हैं। पैरापोडिया लेटरल अपेंडेज इन द आर्थ्रोपोड बता रहा है, ये कि एनिलिडा में पाया जाता है। रेडुला इन द मोलस्का बता रहा है, स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग द एक्सक्रीशन, रेडुला यहाँ पर डाइजेशन से संबंधित है, यहाँ पर एक्सक्रीशन बता रहा है, ये दोनों गलत हैं, आंसर बी सही होगा। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट डिटोरोस्टोम्स, तो इनमें से कौन सा डिटोरोस्टोम्स नहीं है, तो एथवाम सी आर्चिन सेंड डॉलर एक्थियोपिस, तो सी आर्चिन है यहाँ पर 97 का आंसर सी सही हुआ एथवाम। द मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर एनिमल फाइला इज, तो सबसे यहाँ पर अभी जल्दी डिस्कवर हुआ एनिमल फाइला है कौन सा जो खोजा गया है, 98 का एक हुआ लूसीफेरा। सेकेंडरी बॉडी कैविटी विथ सेगमेंटेड मेजोडर्मल लेनिंग इज कॉल्ड, सेकेंडरी बॉडी कैविटी विथ सेगमेंटेड मेजोडर्मल लेनिंग इज कॉल्ड, तो 99 का आंसर डी सही को ट्रूसीलम। द एनिमल फॉर विच फाइलम आर कॉल्ड द एसिलोमेट प्लेटी हेलमेंटीज, यहाँ पर मैच करना है। तो आरेलिया निडोलोब्लास्ट बता रहा है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेंटेट सही है पहला वाला, तो यहाँ पर 101 का आंसर, 101 का आंसर यहाँ पर ये तो गलत है, आरेलिया निडोब्लास्ट बता रहा है, ये तो गलत है, सिलेंटेटा में आरेलिया में नहीं पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है निडोब्लास्ट। सेलेमेरिया यहाँ पर सी वाला क्या बोलता है, सेलेमेंड्रा ए टाइफेनम रिप्रेजेंट एयर एम्फीबिया, तो आंसर सी सही होगा यहाँ पर 101 का, इसके सही करेक्टर है मिले हुए सारी चीज़ें। फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, तो इनमें से कौन सा बता रहा सही है, 102 का यहाँ पर करेक्ट बता रहा कौन सा है, 102 का यहाँ पर एक सही है, अलोन इज ए रॉन्ग, केवल एक ही गलत है और बाकी सब सही है। सर्कुलेटरी सिस्टम इन आर्थ्रोपोड इज क्लोज टाइप सही है बता रहा, पैरापोडिया इन एनिलिड इन ये पहला वाला है यही गलत है, यानी जो पैरापोडिया इन एनिलिड हेल्प इन स्विमिंग ये सारे सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। फाइलम मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम एस्केलेमेंथीज डाइसियस है, और यहाँ पर जो पहला वाला है ये गलत है, तो यही हमारा उत्तर है, ये ऑल ऑन इज रॉन्ग। विच आर द फॉलोइंग इज द जीनस नेम इट टू करेक्टर एंड इट्स फाइलम आर नॉट करेक्टली मैच्ड, तो फाइलम बता रहा है, फाइला
पहला बॉडी सेगमेंटेड बता रहा है और माउथ विद रेडुला, बॉडी सेगमेंटेड माउथ ये गंथ है, तो 103 का यहाँ पर माउथ यही सही है, पहला बॉडी सेगमेंटेड माउथ विद रेडुला मोलस्का में सही आ रहा है, सही है। द फिगर शो फोर एनिमल, 1 2 3 4 करेक्ट था, करेक्ट रिस्पेक्ट कॉमन करेक्टर ऑफ टू एनिमल्स, तो इनमें से दो एनिमल के कॉमन करेक्टर क्या हैं जो बताना है हमें। एक सही होगा आंसर यहाँ पर, तो 3 4 हैव टूरुसिलम। चूज द करेक्ट पेयर, तो इनमें से कौन सा बता रहा सही है, 105 का आंसर डी सही होगा, सीलोमेट एस्केलेमिंथीज। बीच वन फॉलोइंग आर्गनिज इज साइंटिफिकली करेक्ट नेम्ड और करेक्टली पेंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नेमिंग क्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब्ड, तो इनमें से कौन सा बता रहा है सही है, जो इंटरनेशनल नेमिंग क्लेचर के हिसाब से उनका वर्णन किया गया है, मस्का डोमेस्टिका, कॉमन हाउस लिजार्ड एंड रेप्टाइल, मस्का डोमेस्टिका कॉमन हाउस, तो यहाँ पर हाउस फ्लाई का होता है, ये गलत है। प्लाज्मोडियम पेल्सीफेरम एक कॉमन प्रोटोजोन पैथोजन काजी द मट सराउ टाइप मलेरिया, तो ये सही होगा, 6 का आंसर भी सही होगा, ये सही मैच है। बिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिप्लोब्लैटिक, तो डिप्लोब्लैटिक कौन सा है, 107 का आंसर एक सही होगा, हाइड्रा। माउथ डेवलप फर्स्ट इन इब्रियो एंड एनस आफ्टर लेटर इज कॉल्ड, तो माउथ फर्स्ट डेवलप इसे प्रोटोस्टोम्स कहते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग बीच ग्रुप बिलोंग टू सेम फाइलम, तो स्पंज से और यहाँ पर प्राउन स्कॉर्पियन और लोक्टो का, यानी ये पहला है यही सही है, ये सेम फाइलम का अर्थोपोडा का, यहाँ पर मैच करना है सही से। पैट्रीमाइजोन एक्टोपैरासाइट और इसका जो नाम है साइक्लोस्टोमेटा क्लास है, सब क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विद द रिस्पेक्ट टू दे टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, तो सेंटीपीड मिलीपीड स्कॉर्पियन इंसेक्टा, तो भी सही होगा यहाँ पर, ये सही है, 111 का बी होगा, वो 111 का यहाँ पर सी होगा, हाउस फ्लाई बटरफ्लाई सीसी फ्लाई सिल्वर फिश, ये सारे जो हैं इंसेक्टा में आते हैं, सिल्वर फिश एक आर्थ्रोपोडा है जो कि इंसेक्ट में आती है। यहाँ पर मैच करना है फॉलोइंग लिस्ट एनिमल दे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो स्पोंजिला है और स्पोंजिला ओवेलिया, तो स्पोंजिला यहाँ पर सेलुलर होगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन स्पोंजिला यानी पोरीफेरा, और टिश्यू लेवल यहाँ पर कौन होगा, टिश्यू लेवल ओवेलिया होगी, और सिस्टम तो यहाँ पर ऑर्गन लेवल से यहाँ पर होगा फेरेटीमा, और ऑर्गन लेवल जो है फैसियोला होगा इसका, और सेलुलर लेवल यहाँ पर स्पोंजिला, और ऑर्गन सिस्टम लेवल फेरेटीमा, टिश्यू लेवल ओवेलिया, तो कोड क्या बन रहा है, पहले का क्यू बन रहा है और दूसरे का
आर, तीसरे का एस, चौथे का पी। तो शुरू में पी है, लास्ट में पी, तो किसमें? तो आंसर यहाँ पर 112 का आंसर डी सही होगा। आंसर यहाँ पर डी सही होगा। ऑर्गन लेवल फेसिवला में पाया जाता है, और सेलुलर एग्रीगेट यानी सेलुलर लेवल स्पंजिला में पाया जाता है, टिश्यू लेवल ओविलिया में, ऑर्गन सिस्टम लेवल फेरेटिमा में। आंसर डी सही होगा। यहाँ पर भी मैच करना है तो बता रहा है, तो बीच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ थ्री एनिमल इज द करेक्टली मैच विद द देयर वन करेक्टर मॉर्फोलॉजिकल फीचर फीचर्स। तो उनमें से बता रहा है कौन सा सही है। सेंटीपीड प्राउन, सी आर्चिन, जॉइंटेड पेंडेंट, काकरोच लॉक्टर टेनिया, मेटामरी सेगमेंटेशन, स्कॉर्पियन स्पीडर काकरोच, बेंटल नर्व कार्ड। तो 113 का आंसर अब सी सही होगा। स्कॉर्पियन है और काकरोच, इनके सारे जो हैं बेंटल नर्व कार्ड में पाया जाता है, ये सही है। आंसर यहाँ पर सी सही होगा। यहाँ पर भी मैच करना है। इनकम्प्लीट डाइजेशन पाया जाता है प्लेटी एलिमेंट्री में, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है स्पंज में, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है सिलेंटेट में, और सीडोसिलियम पाया जाता है अर्थ के एलिमेंट्रीज में, मेटामरी सेगमेंटम पाया जाता है एनिलिडी में। आंसर एक सही होगा, पहले का चौथा, यानी कोड देख लें क्या बोल रहा है, 4, 4-1, 4-1-2, 2-5-3, यानी 41-253, 41-253 आंसर यहाँ पर एक सही होगा। यहाँ पर एनिमल है, इसको देखकर उसका चित्र देखकर आंसर लगाना है, यहाँ पर कौन सा एनिमल है ये। तो 115 का आंसर यहाँ पर कौन सा है, काइंड ऑफ फिलोम रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम विच गिवन बिलो द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो यहाँ पर आंसर 115 का राउंड बार में होगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच इन द फिलम कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। फरोग है जिसको राना स्पीसीज है, टिग्रीना स्पीसीज यहाँ पर राना जो जाती है वो जीनस है, स्पीसीज यहाँ पर टिग्रीना होता है, गलत है। लेंसलेट वर्टिब्रेटा डिवीजन बता रहा है, ये भी गलत है। बार्नुलस मामलिया क्लास, अर्थवर्म एनिलिडा सुपर क्लास। तो 116 का आंसर कौन सा होगा, 116 का आंसर सी सही होगा, बैलोरस मैमलिया क्लास है। सीलोम इज द लाइंड ऑन द साइड बाई, तो साइड बाई यहाँ पर सीलोम किसमें होती है, लाइन बाई एक साइड पर किनारे पर, तो उसे क्या कहते हैं, 17 का बी होगा, मेजोडर्म। आइडेंटिफाई द फाइलम एक्स बता रहा है, फाइलम है कोई जो एनिमल है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड है, बायलेटर सिमेट्रिकल है, और आसिलोमेट है, कोई भी एनिमल है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड है उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और बायलेटर सिमेट्री है, आसिलोमेट है, तो एक्स है क्या, तो एक्स है यहाँ पर आसिलोमेट है, तो कोई एनिमल है यहाँ पर बायलेटर सिमेट्रिकल है, प्लेटी हेलमेंटीज के करेक्टर हैं। 18 का डी सही होगा। यहाँ पर मैच करना है फाइलम और उसके स्ट्रक्चर, यहाँ पर काम की जगह क्या आएगा। यहाँ पर कोई भी एनिमल है बता रहा, पैरापोडिया एनिलिडा है, तो एनिलिडा पैरापोडिया स्विमिंग के लिए यहाँ पर है, तो पहला सही होगा यहाँ पर स्विमिंग के लिए, पैरापोडिया एक ही जगह पर स्विमिंग आएगा। और बी बता रहा है यहाँ पर, तो बी में क्या है, बी का बता रहा टीनोपोरा है, लोकोमोशन है, तो यहाँ पर टीनोपोरा जो कॉम्बो प्लेट है उसके द्वारा यहाँ पर आएगा ये आंसर, यहाँ पर ये चलेगा। और बता रहा है कि सी वाले सी पर क्या है, मोलस्का रेस्पिरेशन ऑर्गन है, तो मोलस्का रेस्पिरेशन ऑर्गन है, तो सी की जगह क्या आएगा, रेडुला। और फिर यहाँ पर डी की जगह पर क्या बता रहा है, डी
बता रहा है मैग्लिपीडियन ट्यूब है, आर्थ्रोपोड है, तो डी की जगह पर क्या आएगा, एस्क्रीशन। मैग्लिपीडियन ट्यूब है जो कि आर्थ्रोपोड है और एस्क्रीशन का काम करती है, तो एस्क्रीशन आएगा। ई की जगह पर क्या आएगा, बता रहा है निडलोब्लाट है, सिलेंटेट है, तो निडलोब्लाट सिलेंटेट में है, तो डिफेंस आएगा। ई की जगह पर डिफेंस, डिफेंस के लिए निडलोब्लाट होती है आंसर यहाँ पर, तो पहला ही सही होगा। कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स, तो इनमें से बता रहा है वो कौन से एनिमल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री की, ट्रू सीलोम विद द सेगमेंटेशन बॉडी, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल है, तो कौन सा है यहाँ पर एनिमल, तो ऑर्गन सिस्टम है और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बायलेटरल सिमेट्री की, एनिलिडा है, एनिलिडा आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा आर्थ्रोपोडा और कार्डेटा, तो आंसर यहाँ पर एनिलिडा आर्थ्रोपोडा कार्डेटा, आंसर बी सही हुआ, बीस का ये सही हुआ, एनिलिडा आर्थ्रोपोडा एंड कार्डेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर द ट्रू सीलोमेट विद द बायलेटर सिमेट्रिकली, तो यहाँ पर ट्रू सीलोम है और बायलेटर सिमेट्रिकली एनिलिडा होगा, आंसर डी सही हुआ 121 का। और लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम द सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, जिरे ग्रेगेरियाउस फ्लो फेगो पेगाउस पेस्ट बता रहा है, एस्टीरिया से, दूसरा बता रहा है अडल्ट विद द रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा इज बायलेटर सिमेट्री, स्कॉर्पियन ये गलत है, ये भी नहीं है। बुक लंग टीनोफोरा बता रहा है, टीनोप्लेना और लास्ट वाला बायोलूमिन से लोक्टा, लोक्टा, तो यहाँ पर क्या बता रहा है, मैच द कॉलम सेकंड एंड फर्स्ट, तो इसमें से बता रहा है कौन सा सही है, कौन कौन से सही है मैच, तो क्रम बताना है, मिलाना है, तो बुक लंग जो है स्कॉर्पियन में पाए जाते हैं, तो बुकलंग स्कॉर्पियन में पाए जाते हैं, तो बुकलंग कहाँ पर है, ये इसको स्कॉर्पियन में मिलाएंगे। एस्टेरियास में क्या होता है, एस्टेरियास में यहाँ पर अडल्ट बायलेटरल सिमेट्रिकली एंड लार्वा बायलेटरल सिमेट्रिकली, तो इसका आंसर जे हो जाएगा। और यहाँ पर जो बायोलुमिनेंस है, तो बायोलुमिनेंस यहाँ पर टीनोफोरा दिखाएगा, जिरे ग्रेगारियाउस पॉलीफेगाउस पेस्ट है यहाँ पर, तो लोकटस में आता है, लोकस्टा में आता है, और अडल्ट रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा इज वायलेटरी सिमेट्री एट्रियास में आता है, एट्रियास, और स्कॉर्पियन बुकलंग्स आता है, और बायोलुमिनेंस यहाँ पर टीनोफोरा आता है, तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, वो आंसर सी सही होगा यहाँ पर। तो पहले का चौथा और दूसरे का चौथा, दूसरे का पहला और तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा, तो आंसर यहाँ पर डी सही होगा। पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तो तीसरे का दूसरा और दूसरे का तीसरा, तो आंसर यहाँ पर चौथे का तीसरा, तो आंसर यहाँ पर डी सही होगा, वो आंसर सी सही होगा। तो 4-1-2-3, वीडियो अच्छा से लगे तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो, नए सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, धन्यवाद, राधे, डोंट वेरी बी हैप्पी।